राइट, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोसेसेस के बारे में बात की थी काफ़ी तफसील से, प्रोसेस क्रिएशन वगैरह की हमने डिस्कशन की थी। आज हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल साइड से प्रोसेसेस के बारे में, दो तीन चीज़ें देखनी हैं। तो लिनक्स में अगर आप लोगों ने प्रोसेस के बारे में देखना है, विंडोज़ में अगर देखना है तो टास्क मैनेजर होता है, इट शोज़ यू सम इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, इट शोज़ यू सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ विंडोज़ यूज़र। लेकिन लिनक्स के अंदर यू गेट द इंटरनल्स ऑफ द होल होल स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है स्लैश प्रॉक। स्लैश आप लोगों को पता है कि लिनक्स में क्या चीज़ होती है? आपके पास फाइल सिस्टम का रूट होता है, ठीक है? इट हैज़ वन यूनिक रूट विच इज़ कॉल्ड स्लैश। चाहे आपने जितनी भी पार्टीशंस बनाई हो, चाहे आपने जितनी भी डिवाइसेज लगाई हो, स्लैश इज़ दी ओनली रूट, ठीक है जी? इसलिए उसको रूट कहते हैं क्योंकि सब कुछ उसी से निकलेगा आगे पे। यहाँ तक बात सही है जी? तो इसके अंदर कुछ आपके पास ये होते हैं, आई एम नॉट श्योर ये आप लोगों ने लैब में देखा है कि नहीं देखा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपके पास स्लैश के अंदर डायरेक्टरीज इस तरह की होती हैं विच आर स्पेशल। स्लैश के अंदर सारी डायरेक्टरी स्पेशल होती है, उनका अपना कोई मीनिंग होता है, लेकिन कुछ ज़रा ज़्यादा स्पेशल होती हैं, ठीक है जी? उनमें से एक है प्रॉक। सो दिस प्रॉक इज वॉट इज कॉल्ड ए वर्चुअल फाइल सिस्टम। सो जैसे वर्चुअल मशीन होती है कि इट एक्ट्स लाइक अ मशीन बट इट्स नॉट एन अ फिजिकल मशीन। सो दिस वर्चुअल फाइल सिस्टम और भी बहुत सारे होते हैं, प्रॉक उनमें से एक है। वर्चुअल फाइल सिस्टम ये होता है कि होता फाइल सिस्टम है, इसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं। अभी तक हमने फाइल सिस्टम की सिर्फ इतनी बात की है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स। तो इसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं बट इट्स नॉट एक्चुअली अ फाइल सिस्टम, विच मीन्स इट डज नॉट हैव परसिस्टेंट स्टोरेज अटैच टू इट। ये ऐसा नहीं है कि स्लैश प्रॉक आपकी हार्ड डिस्क में कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक? ये बात समझ आइए जी। यू इंटरैक्ट विद प्रॉक स्लैश प्रॉक, इसको स्लैश प्रॉक बोलते हैं, प्रॉक फाइल सिस्टम बोलते हैं, प्रॉक इज शॉर्ट फॉर प्रोसेस बाय द वे। सो आप लोग स्लैश प्रॉक के साथ इंटरैक्ट ऐसे ही करेंगे जैसे आप फाइल्स के साथ करते हैं, ठीक है? इसमें आप ls करेंगे, इसमें आप cd करेंगे, इसमें आप cat करेंगे, वो भी करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? लेकिन इट डज नॉट हैव अ परसिस्टेंट स्टोरेज। जिस तरह आपके पास स्लैश वार है या स्लैश होम है आपके पास, उस हार्ड डिस्क में कहीं पर पड़ी होती है ना वो फाइलें, तो स्लैश प्रॉक की फाइलें वो हार्ड डिस्क में पड़ी कहीं पर नहीं होती, ठीक है? वो रैम में किसी जगह पे किसी तरीके से किया जाता है। ये जब हम फाइल सिस्टम के चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वर्चुअल फाइल सिस्टम्स क्रिएट करना, ठीक है? तो इसकी तरफ हम तब पहुंचेंगे इंशाल्लाह जब फाइल सिस्टम्स में आएंगे। अभी इसको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि स्लैश प्रॉक जो है वो आपके पास रन टाइम पे क्रिएट होता है। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो स्लैश प्रॉक के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। देयर इज नो परसिस्टेंट स्टोरेज अटैच टू इट, दैट इज द वर्चुअल पार्ट। और फाइल सिस्टम क्या है कि यू इंटरैक्ट विद इट वैसे ही जैसा कि आप किसी भी फाइल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? जो कमांड्स आप फाइल्स के ऊपर दे सकते हैं वो सारी कमांड्स आप इसके ऊपर दे सकते हैं। कुछ कमांड सक्सेसफुल होंगी, कुछ कमांड्स वियर्ड बिहेव करेगी, लेकिन आप एटलीस्ट वो चीज़ें इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या कॉन्सेप्ट है कि यू ओनली अंडरस्टैंड द इंटरनल्स एंड द इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड नॉट हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड, राइट? सो स्लैश प्रॉक इज एन एब्स्ट्रैक्शन ओवर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्शन ऐसी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है कि अगर आपको एक आ जाता है कि स्लैश प्रॉक के अंदर हमने ये इंफॉर्मेशन रखी है तो देन दे वुड हैव टू एक्सप्लेन टू यू हाउ टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। अभी उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि इट्स अ फाइल सिस्टम, इट्स अ वर्चुअल फाइल सिस्टम। अब आपको पता है फाइल सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, cd करते हैं, ls करते हैं, cat करते हैं, वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? कुछ कमांड्स हैं जो कि आप फाइल सिस्टम के ऊपर इशू कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से यू कैन नाउ गेट द इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड, ठीक है? तो वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। अभी आप देख लेंगे कि तीन चार कमांड्स के जरिए से यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर फॉरी नहीं लगती, राइट? सो दिस इज स्लैश प्रॉक। ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। सो व्हाट यू डू इज यू गो इनटू योर मशीन, ठीक है? आपकी यूबंटू की मशीन है, दिस इज यूबंटू 18.04 वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है? कंटेनर में इस दफा नहीं है। सो एनी वे, सो cd स्लैश प्रॉक, ठीक है? आप स्लैश प्रॉक में बोलिए। सो इफ यू डू ls, सो दीज आर सर्टन फाइल्स जो कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको भी सारों को नहीं देखना, हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर से देखना चाहते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट नोट करने की चीज़ है, शुरू में देखें एक वन है, ठीक है जी? और यहाँ पे इधर कुछ बदबला पड़ा हुआ है, ठीक है? इसमें से कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। तो ls इज अ फाइल सिस्टम कमांड, फाइल सिस्टम पे ls करते हैं ना, डायरेक्टली लिस्टिंग फाइल सिस्टम पे होती है, तो स्लैश प्रॉक बिहेव कर रहा है उस तरीके से, ठीक है जी? सो इफ यू से कैट स्लैश प्रॉक स्लैश cpu इन्फो, ठीक है? तो ये देखें, ये आपको सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन सारी बता रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर इज यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है? ये सिर्फ आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें इनमें से अगर आपको याद रह जाएं,
ठीक है, अच्छी बात है, अगर याद ना रह जाएं तो यू नीड टू हैव, मतलब जो चीज़ें हमने अभी तक उसमें पढ़ ली हैं, थ्योरी में पढ़ ली हैं, वो जब यहाँ पे नजर आए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये वो बात हो रही है। ये जितना भी आगे मैं आउटपुट दिखाने लगा हूँ आप लोगों को सारों में, जो चीज़ें हमने क्लास में पढ़ ली हैं वो आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हुई तो वो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं, ये बात समझ आ रही है, इसको देख के टेंशन में नहीं आएंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड आउटपुट, सही है। जिस तरह मैंने टास्क स्ट्रक बताया था ना, उसमें से तीन चार चीज़ें हमने देख ली थी कि ये चीज़ें होती हैं, फिर कभी दोबारा उसको खोलेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, फिर वो दोबारा खोलेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर टेंशन में नहीं आना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पहले एक दो लेक्चर की तरह टेंशन में आ जाए, ठीक है, तामूल से, राइट। सो ये आपको सीपीयू की इन्फॉर्मेशन बता रहा है, बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। सो अगेन, इफ यू आर ऑन विंडोज यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन ईदर यूजिंग अ यूटिलिटी, और इफ यू आर रियली गुड विद विंडोज रजिस्ट्री और उस किस्म की अपनी जो उसकी चीज़ें होती हैं, सो इफ यू कैन गेट देयर, बट दिस इज एक्सट्रीमली ईजी। यू से कैट स्लैश प्रॉक स्लैश सीपीयू इन्फो, यू गेट द इन्फॉर्मेशन, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, सो इट्स टेलिंग यू वेंडर कौन है, सो इट्स एन इंटेल सिस्टम, मॉडल इसका, इसका मॉडल का नाम आप लोगों ने ये देखे होंगे, सीपीयू के क्लॉक साइकिल्स जो हैं, अगर नहीं देखे तो आर्किटेक्चर आप लोग पढ़ेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ लास्ट लेक्चर में रह गई थी, वो मैं भी कभी बताता हूँ आप लोगों को, ओके। सो कैश का साइज आपको नज़र आ रहा है, सो नाउ दिस इज़ एन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी बंदे ने बायोस वगैरह के अंदर छेड़खानी करके उसको ख़राब भी किया हुआ है, कभी कभी लोग करते हैं उसको ओवरक्लॉक करते हैं, तो दिस यू गेट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज कर सकता है, सो दिस इज़ द ग्राउंड ट्रूथ। सो सीपीयू कोर्स इसके अंदर मेरे पास दो हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। हाँ, फिजिकल आई डी इज मोस्ट लाइकली दी सीपीयू आईडी, तो नीचे दूसरे वाले की फिजिकल आईडी वाला, सो फिजिकल आईडी दोनों की जीरो है, आई एम नॉट श्योर, अगेन यू कैन लुक इट अप। सिब्लिंग्स, दो सिब्लिंग, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, दो कोर्स हैं, ठीक है, जो मैं जो चीज़ें मुझे पता है वो बताऊँगा ना, जो नहीं पता वो मैं किस तरह बताऊँ। सो एफ पी यू इसके अंदर है, ठीक है, ऑब्वियसली है, एफ पी यू यूज़ किया हुआ है आप लोगों ने एक ज़माने में असेंबली में, ओके। सो जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ आपको, फ्लैग्स। सो फ्लैग्स आर एसेंशियली फ्लैग्स जो कि यस नो होंगे, ठीक है जी, और फ्लैग्स के जरिए से आपको ये पता चलेगा कि आपके सीपीयू के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बात को समझें। जब भी आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, व्हेन यू ट्राई टू डिप्लॉय एनी स्पेशलाइज्ड कर्नल आप डिप्लॉय कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, द सॉफ्टवेयर दैट यू वॉन्ट टू इंस्टॉल वो आपको पूछेगा कि यू नीड टू हैव सर्टन कैपेबिलिटी, लव्स कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है कि ये कैपेबिलिटी आपके सीपीयू में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके सीपीयू में कहा जाएगा कि ये रहा SSE4, ठीक है, ट्रस्टेड बूट एक सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा, मैंने आप लोगों को TPM का बताया था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे SSE की कमांड्स चाहिए होती हैं, सो दे विल टेल यू कि वी आर गोइंग टू यूज दीज कैपेबिलिटीज ऑफ द सीपीयू, सो यू नीड टू हैव दैट, ठीक है। जिस तरह वर्चुअलाइजेशन की होती है, इसके अंदर VT वगैरह की कुछ होंगी, अभी इस तरह मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन anyway, ठीक है। तो what you want to do is you cat your CPU info और इसके अंदर जाके देखेंगे कि वो फ्लैग है कि नहीं है, ठीक है जी। किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को पहले से करना आता है, लेट से SSE को देखना था तो यू से ये चीज, तो ये SSE आपके लिए हाईलाइट कर देगा, तो आप देख लेंगे SSE है कि नहीं, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल थिंग, ठीक है। अगेन ये दो कमांड्स आपने आपस में कंबाइन किए हैं, ये सिंटेक्स लास्ट टाइम भी देखा था, अभी पता चल गया जी, ठीक है। कमांड आपने पाइप कर दी ग्रेप को, ग्रेप उसके अंदर से फिल्टर आउट कर देता है जो चीज़ें इस पैटर्न से मैच नहीं करती, ठीक हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देख लें थोड़ा सा, दूसरा सीपीयू है, इसके अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें हैं सारी की सारी। कैश अलाइनमेंट है, अगेन ये आप लोग आर्किटेक्चर में देखा करते हैं, जो कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आर्किटेक्चर में आती हैं जी, सीपीयू की एक्चुअल फिजिकल सीपीयू जो है आपके पास, ये उसकी कैपेबिलिटी बता रहा है कि योर सीपीयू फॉर एग्जांपल हैज दिस सिस्कॉल, आप लोगों ने देखा भाई, ये देख लें, ठीक है, इट हैज द सिस्कॉल कैपेबिलिटी, सिस्कॉल इज आल्सो एन इंस्ट्रक्शन, लेकिन सिस्कॉल अगर कोई इंस्ट्रक्शन कोई सीपीयू सपोर्ट करता है 64-bit सिस्कॉल को, तो उसके अंदर सिस्कॉल की कैपेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम आप आमतौर पर पहले चेक करना चाहते हैं कि ये सिस्कॉल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इस किस्म की तफसील आती है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर जी, हाइपरवाइजर जी, हाइपरवाइजर जो है आमतौर पे जब आप हाइपरवाइजर रन करते हैं तो उनको सीपीयू से कुछ खास, जिस तरह आपको बताया था रिंग वगैरह की सपोर्ट भी उसको चाहिए होती है, रिंग जीरो, रिंग वन, रिंग टू, रिंग थ्री, इस तरीके से और कुछ कैपेबिलिटीज हाइपरवाइजर को सीपीयू से चाहिए होती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा जाके देखेंगे तो, और मेमोरी मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें फिर आपको समझ आएंगी, ठीक है, इसके अंदर फ्लैग मैच, टीएलबी वगैरह होंगे,
तो वो आपको उस वक्त समझ आएंगे कि ये चीज़ें आपको एक्चुअल फिजिकल जो सीपीयू लगा हुआ है हार्डवेयर उसकी कैपेबिलिटीज आपको बता रही है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? ओके जी, वर्चुअल है। हाँ ये वर्चुअल है, ये चल रहा है पैरेलल्स के ऊपर। सो पैरेलल्स एसेंशियली आगे जो चीज़ रिपोर्ट करता है ना वो वही रिपोर्ट करता है जो कि आपके एक्चुअल हार्डवेयर की होती है। इट इज वर्चुअल, लेकिन आप देखें तरीकाकार क्या होता है, आपका करना जो है हार्डवेयर से पूछता है कि आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी है, तो वो जो हार्डवेयर वहाँ पे वर्चुअल हार्डवेयर बैठा हुआ वो कहता है मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। यस, हार्डवेयर झूठ बोल सकता है, असल में झूठ नहीं बोल रहा, इट हैज टू रिस्पॉन्ड सम हाउ। ठीक है, सो इट हैज टू रिस्पॉन्ड सम हाउ, तो वो उसको बताएगा कि हाँ जी ये चीजें मेरे पास है। सो द इन्फॉर्मेशन दैट गोज ओवर देयर इज नॉट झूठ, इट्स वर्चुअल, एंड इफ यू आर वर्चुअल यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। सिम्स पता है गेम का? सिम्स, सो अगर उसके सर के बाल जो है तो वो किस कलर के बोलेंगे? ग्रीन कलर के अगर बाल है उसके, ठीक है, वो सिम के, सिम जानते हैं गेम, सारे जानते हैं, किसको नहीं पता। सो इट्स अ वर्चुअल लाइफ टाइप ऑफ गेम, ठीक है, उसके अंदर बंदे होते हैं और वो बंदे फिर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर उस बंदे के बाल ग्रीन हैं तो यू कैन नॉट से कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इट्स अ वर्चुअल बींग, इट कैन बी वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू बी। ठीक है, सो दिस इज अ वर्चुअल एनवायरमेंट, इट कैन बी वॉट एवर इट वॉन्ट टू बी, इट कैन हैव वॉट एवर कैपेबिलिटी एज लॉन्ग एज इट कैन इम्प्लीमेंट इट। दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स, नहीं करेगा तो क्रैश हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वही बात करे। लेट्स से आपके पास नीचे सपोर्ट है हाइपरवाइजर की, और ये वर्चुअल जो है, वर्चुअल जो आपके पास वर्चुअल मशीन मैनेजर जो रन हो रहा है, ये कहता है मेरे पास नहीं है सपोर्ट। आपके पास कोई कैपेबिलिटी नीचे है और ये कहता है मैंने नहीं प्रोवाइड करनी। जिस तरह 64 बिट मशीन के ऊपर अगर आप 32 बिट वर्चुअल मशीन मैनेजर चलाते हैं, वो कहता है मैं 32 बिट सपोर्ट करता हूँ, 64 बिट नहीं सपोर्ट करता। दैट्स फाइन, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं फिर झूठ नहीं बोल सकता। जी आपका जी कैसे बोल सकता है, वहां पे एक फंक्शन कॉल है जिसके अंदर ये लॉजिक लिखी हुई है, उसके अंदर आप हार्ड कोड कर दें, ऐसे बोल सकता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, यू चेंज द प्रोग्राम और कुछ भी कर सकते हैं। सही हो गया, ओके। सो ये कुछ चीजें थी। अच्छा, दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं, तीन चार कमांड बता रहा हूँ। एक हमने देख लिया यहाँ पे सीपीयू इन्फो, ठीक है, दूसरा आपके पास होता है मेम इन्फो, सो दिस इज फॉर मेमोरी इन्फॉर्मेशन। अगेन इसके अंदर आप बड़ी तफसील से देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी समझ आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। सो यू हैव टोटल मेमोरी, ठीक है, यू हैव फ्री मेमोरी, फ्री और अवेलेबल में थोड़ा सा फर्क होता है, फिलहाल नहीं बाद में आएगा इसमें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ आए, स्वाप आप लोगों ने देखा इंस्टॉलेशन में, स्वाप क्या होता है, ठीक है, तो स्वाप आपको बता रहा है कि स्वाप कितना है। ठीक है, स्वाप आपके पास वर्चुअल मशीन, ये हम अगेन जाके दोबारा पढ़ेंगे। जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसमें से अक्सर चीज़ें आपको आएंगी, डर्टी वाली चीज़ आपको समझ आएगी, राइट बैक समझ आएगा, कर्नल का स्टैक आपको बता रहा है कितने साइज का है। ठीक है, स्टैक समझते हैं ना, कर्नल का अपना स्टैक होता है, तो कर्नल का स्टैक आपको बता रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। द पॉइंट इज, प्रॉक के अंदर आपके पास सीपीयू का इन्फो, मेमोरी का इन्फो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंटरप्ट्स। ठीक है, तो दिस शोज यू कि आपके पास कौन कौन से इंटरप्ट्स आए हुए हैं। ठीक है जी, सो टाइमर इंटरप्ट आपके पास जब आता है तो वो इसकी आईडी जीरो है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के टाइमर्स हैं। अगेन ये चीज़ें आर्किटेक्चर में तफसील से पढ़ी जाती हैं, आप लोगों का नहीं है तो नहीं आएगा। ये TLB शूट डाउन अगेन मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा। मैं भी आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू एक दे रहा हूँ, या आप लोगों को अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आगे जो जो चैप्टर हम देखते जाएंगे, तो इवन इफ आई डोंट कवर इट इन हेयर इन द क्लास, तो आप लोग खुद जाके इसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, कैट करें मैम इन्फो को, सीपीयू इन्फो को, इंटरप्ट्स को, इनको जाके आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, TLB हम पढ़ेंगे, वहाँ पे एक लंबी बहस हम TLB के ऊपर करेंगे, फिर बहुत लंबी नहीं करेंगे लेकिन TLB के ऊपर बहस होती है। ठीक है, तो यू कैन गो एंड एक्चुअली लुक के TLB बाकी इंप्लीमेंटेड भी है कि नहीं यहाँ पे। ठीक, ओके जी, खाली थर्मल इवेंट इंटरप्ट्स, आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट लाइकली ये जब आपका CPU स्पीड अप होता है तो वो इंटरप्ट को देता है, क्योंकि चक्कर दे थोड़ी देता है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर।
जब हीट अप हो जाता है तो फिर यहाँ तक सही हो गया जी. ओके सो द पॉइंट इज यू हैव द इंफॉर्मेशन ओवर देयर, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि तीन फाइलें, इन फाइलों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जब जरूरत पड़ेगी तो बताइए. ठीक हो गई. ओके और इसमें जो सी पी यू इन्फो वाली चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा जरूरी. ओके दूसरी जो चीज़ यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही है प्रॉक के अंदर, ये जो सारी डायरेक्टरीज आपको नज़र आ रही हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए डायरेक्टरीज को, ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आपके रनिंग प्रोसेसेस पे. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्लैश प्रॉक. जो प्रोसेस भी आप स्टार्ट करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट की जाती है. तो इट्स नॉट अ फिजिकल डायरेक्टरी, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ठीक है जी. तो ये वन जो है ये पी आई डीज है बाय द वे. तो ये वन किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा? इनिट. आपका जब इनिट स्टार्ट होता है उसकी पी आई डी वन होती है. पी आई डी वन की कॉरेस्पॉन्डिंग ये डायरेक्टरी. तो अगर आप वन के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपके पास इस से मुतालिक सारी चीजें पड़ी होंगी. सो इफ यू से ls तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हियर. इसमें से कुछ चीजें आपको देख के समझ आ जाएंगी. सो यू हैव स्केड्यूलर के बारे में इंफॉर्मेशन, स्केड्यूलर की स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटस, टाइमर्स, दिस कॉल, ये मुझे मैंने खोल के देखनी है, देख लेते हैं. मैप्स, सो दीज आर मेमोरी मैप्स. ठीक है जी. मेमोरी मैप्स जो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी मैप्स हैं, आपके मेमोरी कहाँ पे एलोकेटेड है वो हम कहते हैं ना, वो मेमोरी मैप होता है. ठीक है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों के मेमोरी मैप किस शक्ल का होता है. ठीक है, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में किस शक्ल का होता है. तो माउंट स्टैट्स को छोड़ें, नेट के बारे में जो नेटवर्क के ऊपर आप काम करते हैं वो हैं. राइट. सो कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे. सो एक चीज़ जो कि ज़रूरी है वो ये देखें. सो इफ़ आई से ls माइनस l, तो इसमें आप देखें ये दिस, आप लोगों ने ls की कमांड देखी हुई है. ये जीरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? ये कॉलम किस चीज़ का होता है? स्पेस. ठीक है, कितनी स्पेस ले रहा है फाइल का साइज? ठीक है, इन बाइट्स. तो इन सारी फाइल्स का जो साइज है वो कितना है? जीरो, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअल फिजिकल फाइल्स. ठीक है, सो इवन दो दीज फाइल्स हैव जीरो साइज, इफ आई ट्राई टू कैच दम, इसके अंदर से चीज निकलेगी फिर भी बात. बात समझ आई? सो दे हैव अ साइज ऑफ जीरो बिकॉज दे आर वर्चुअल, they're not physical. ठीक है, but they still have content in them because they're a file system. ये आपकी memory में एक जगह होती है वहाँ पे बनी हुई है. ये proc का जो file system है ना, ये RAM में एक जगह पे पड़ा हुआ है. kernel की अपनी जो स्पेस होती है ना उसके अंदर इसने बनाया होता है. ठीक है, जब आप कहते हैं ना ls करो तो वो जाता है RAM से डाटा उठा के लाके आपको देता है. ठीक है, अगेन kernel programming जब करते हैं तो kernel programming के अंदर ये virtual file systems का concept बहुत इस्तेमाल होता है. हम file systems के अंदर भी इसको तफसील से देखेंगे. ठीक है, it's a fundamental concept of Linux. आ रहा हूँ, पता नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे नहीं पता होंगी. ये वो एक्जी नहीं है, ये वो नहीं. राइट. सो आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम इन द यूजर स्पेस. ठीक, यूजर स्पेस में हूँ शायद, ये कर्नल स्पेस के बारे अलाउड नहीं. आई डोंट नो, कल मैंने नोट नहीं किया. नहीं, इनिट डेड नहीं होता, इनिट हर वक्त रन हो रहा होता है. सो इफ़ यू से ps aux, तो ये सारी कहानी देख लें आपके एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सारी रन हो रही होती हैं वगैरह 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 वगैरह. ओ हो, एंड दिस ओवर हियर इज इन इट. ठीक है जी, ये सॉक्स किया तो देखें, रूट ने स्टार्ट किया, रूट के यूजर से स्टार्ट हुआ है, इसकी पी आई डी वन है वगैरह वगैरह वगैरह, और ये इसकी कमांड है sbin slash init, ये जो कर्नल ने पहला स्टार्ट किया था. ठीक है जी, एंड आई बिलीव यू कैन ऑल्सो हैव PHP. ठीक है, तो PHP अगर आप करेंगे ऊपर जाएंगे, लंबा सा चौड़ा ट्री है इसके अंदर. अब कहानी इस तरह की है, सिस्टम डी से बात स्टार्ट होती है. ठीक है, आप यहाँ तक बात सही होगी. ठीक है, सो व्हाट एल्स कैन वी डू? सो वी कैन से वन स्लैश मैप्स. सो पाइप करके मोर करते हैं तो दिस इज योर पेजिनेशन. पेजिनेशन जानते हैं? हाँ, पेजिनेशन समझ लें. पेजिनेशन कंप्यूटर साइंस का एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है. यू हैव सम इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा है, एंड यू वांट टू स्प्लिट इट इनटू पेजेस, एक एक करके दिखाना चाहते हैं. आपके पास होता है ना, किसी ईमेल के ऊपर सर्च करते हैं तो होता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर सर्च करते हैं तो नेक्स्ट 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 करते हैं. आप लोग की सोशल मीडिया की फीड खोलते हैं, जब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो अगला दोबारा आता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन. आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पेजेस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो पेजिनेशन के लिए आप लिनक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. पाइप करके मोर करें, यू गेट पेजिनेशन फॉर फ्री. सो यू आर गोइंग टू गेट सो ये नीचे मोर नजर आ रहा है. ठीक है, एक पेज इसने दिखा दिया, इसके ऊपर कोई आउटपुट नहीं होगा.
इट विल डिपेंड ऑन योर कॉन्सोल, ठीक है। इतना आपके पास आउटपुट आ गया, अभी यहाँ पे रुकेगा, अब आप स्पेस या एंटर दबाएंगे तो ये फिर अगला पेज आपको शो करेगा, ठीक है। सो ये मैंने रोका इसलिए है कि नाउ यू कैन लुक एट इट कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर गोइंग ऑन ओवर हियर। इसको जरा समझे, ये भी नजर आ रहा है सबको, और यार बस ठीक है, ठीक है। ये देखें, दिस इज योर मेमोरी एड्रेस, ठीक है जी, 64 बिट मेमोरी एड्रेस है, यहां से लेके यहां तक आपके पास ये चीज लोडेड है, ठीक है जी। या स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि ये क्या चीजें हैं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि आपके पास मेमोरी मैप, हमने कहा था ना कि आपके पास मेमोरी मैप इस तरह का होता है, हमने एक शक्ल बनाई थी वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जैक्टली वही चीज यहां पे अभी आपको नजर आएगी। हीप नीचे होता है, स्टैक ऊपर होता है, अभी देखते हैं कि हीप नीचे और स्टैक ऊपर किधर है, एक्चुअली है कि नहीं है, सो दिस इज योर एड्रेस, इसको आप यूं समझें कि आपका मेमोरी एड्रेस है, यहां से लेके यहां तक आपको ये चीज एलोकेट की गई है। ये जो चीज है यहां पे आपके पास, ये बता रहा है कि इस मेमोरी के अंदर जो चीजें हैं इनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ये सिक्योरिटी के अंदर, जब सिक्योरिटी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आपके पास स्टैक जो है वो पहली सीढ़ी है, ठीक है, स्टैक आपकी पहली सीढ़ी है जब आप हैकिंग की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये दूसरी सीढ़ी है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, यहाँ पे ये जो R डैश एक्स पी लिखा हुआ है, तो P का तो मुझे भी मतलब नहीं पता, लेकिन R डैश एक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, नीचे जाके यहाँ पे RWX है, ठीक है। इन दोनों के फर्क की वजह से आपकी आधी सिक्योरिटी खड़ी होती है, ठीक है। आजकल अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस नहीं आ रहे ना, वो इस एक W और इस एक X की वजह से है, ठीक है, समझ आ रही है, इतनी ज्यादा जरूरी ये चीज़ है। अगेन ये जब आगे आएगी तफसील से इसकी बात करेंगे जब हम सिक्योरिटी के चैप्टर में, इंशाल्लाह सही है। राइट, सो इसमें जो चीज़ देखने की है, सो इफ़ यू कम डाउन ओवर हेयर, सो ये इसके अंदर कुछ चीज़ें लोडेड हैं कहीं पे इधर आएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लंबा छोड़ा मेमोरी मैप है इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सो लेट्स ग्रैब स्टैक, सो स्टैक आप देख सकते हैं कहाँ पे है, 7FFE से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सो 7FFE से स्टैक स्टार्ट हो रहा है। और आपका हीप किधर है, हीप आपका 563 पे है, तो हीप आपका लोअर एड्रेस के ऊपर है और स्टैक आपका हायर एड्रेस के ऊपर है, ठीक है। स्टैक किधर ग्रो करता है, आमतौर पे आपके पास स्टैक जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है, तो ये ऊपर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यूज के साथ नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये बात सही होगी। अगेन अब ये आपको पता चलना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, स्टैक किधर है, हीप किधर है, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास के अंदर देखा हुआ है। Right. The other thing that we have is अच्छा जी, ये स्टेटस मैंने किया, तो ये आपके प्रोसेस के बारे में स्टेटस है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये इसका नाम सिस्टम डी है, ठीक है जी, सिस्टम डी यूनिट की चीजें यहाँ पे, ये भी स्लीपिंग स्टेट में है। सो स्लीपिंग स्टेट लिनक्स की टर्मिनोलॉजी में स्लीपिंग इज द सेम एज रेडी, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि रनिंग के लिए भी वो शॉर्ट आर इस्तेमाल करते हैं, तो रेडी के लिए आर नहीं इस्तेमाल करते, रेडी के लिए स्लीप कह दिया उसको, तो भाई बस अभी सोया हुआ है, उठेगा तो काम शुरू कर देगा, ठीक है, इतना अच्छा है। स्लीपिंग स्टेट के अंदर इज स्लीपिंग स्टेट इज द रेडी स्टेट, तो अभी आपको स्टेट नजर आ रही है कि यहाँ पे क्या स्टेट है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसकी वर्चुअल मशीन सॉरी वर्चुअल मेमोरी कितनी इस्तेमाल कर रहा है, ये बाद में आएगी। सिग्नल्स की हमने बात की थी कि इसको सिग्नल्स, तो ये सिग BLK के लिए इसने एक अपना फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है, हमने कहा था ना फंक्शन रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो जो फंक्शंस रजिस्टर्ड नहीं है वो 00 पे हैं, जो फंक्शंस रजिस्टर्ड हैं उनके साथ इसने एक एड्रेस बताया हुआ है कि इस एड्रेस के ऊपर सिग्नल भेजा जाएगा। ये बात समझ आ रही, मैं क्या बात कर रहा हूं कि नहीं, ऊपर से जा रहा सारा कुछ। इस प्रोसेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन सिर्फ देख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं समझ आती, लेकिन जो समझ आती है उसको समझें। हम लोगों ने देखा था कि सिग्नल हैंडलर जो है वो हम रजिस्टर करते हैं, जब सिग्नल हैंडलर रजिस्टर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिग BLK की लिए हम लोगों ने इस हैंडल इस फंक्शन इस एड्रेस के ऊपर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इसको एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, समझ आई। इस तरीके से आपके पास और यहाँ पे कुछ और चीज़ों की कैपेबिलिटीज वगैरह भी हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। जीरो का मतलब है कि इट्स पॉइंटिंग टू जीरो, विच इज एसेंशियली अ नल पॉइंटर, रेफरेंसिंग, ठीक है, पॉइंटर है ना, पॉइंटर जीरो जब होता है तो दैट्स अ नल पॉइंटर, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे खुद ही नजर आते चले, मुझे करने की जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस देखें अभी तक कितने हुए हुए हैं, ये कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है तो 3000 से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस यहाँ पे हो चुके हैं, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी दोनों यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो है वो नजर आ रहे हैं। वॉलंटरी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कौन से होते हैं जी? यील्ड ड्रॉप इस्तेमाल नहीं होता, ठीक कह रहे हैं आपने भी दो बात की हुई है, लेकिन यील्ड ड्रॉप होता नहीं है। जब आप कोई सिस्टम कॉल करते हैं तो दैट्स एसेंशियली योर लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच आपने खुद कहा है कि हाँ मेरे से ले लो, मेरे लिए काम करो का मतलब है कि आप करो काम, ठीक है, तो दैट वुड बी वॉलंटरी, ठीक है, सिस्टम कॉल वगैरह के जरिए। और आपके पास इनवॉलंटरी भी आए इतने, तो इनवॉलंटरी कहाँ से आते हैं जी? टाइम एंड इंटरप्ट से आते हैं, उसको क्या कहते हैं, टी से नाम शुरू होता है, याद नहीं होगा, रिवाइज नहीं किया, प्रीएम्प्शन, ठीक है जी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, सारी बतानी चाहिए, सही है जी। प्रीएम्प्शन जब आपके पास टाइमर इंटरप्ट आता है, आपने कोई सिस्टम कॉल की नहीं, किधर आपने सिस्टम कॉल की नहीं है और आपको दरमियान में रोक दिया जाता है कोई काम करने से, उसको प्रीएम्प्शन कहते हैं। स्लाइड में है, नहीं स्टेट को प्रीएम्प्शन नहीं कहते, इस कॉन्सेप्ट को प्रीएम्प्शन कहते हैं कि आप कोई काम कर रहे थे और आपको रोक दिया गया, तो दैट कॉन्सेप्ट इज प्रीएम्प्शन, ठीक है, और जो करना लिया काम करता है उसको प्रीएम्प्टिव करना लिया जाता है, ठीक है, लिखा हुआ साइड। फोर्स क्विट का तो मतलब है आपकी एप्लीकेशन को खत्म कर दिया जाएगा, दिस इज यू गो फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, ठीक है, यू गेट द चांस लेटर ऑन टू रन, ठीक है, सही हो गया, ओके। ये सिंटैक्स तो नहीं देखा जी, कैट स्लैश प्रॉक स्लैश स्टार स्लैश स्टेटस, इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉक के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन सारों के अंदर जाके स्टेटस की जितनी भी फाइलें हैं उन सारों को कंकैटिनेट कर दो, ठीक है जी, तो ये कंकैटिनेट करेगा तो एक लंबा किस्सा बाहर आएगा, ठीक है जी, लेकिन हमें सारा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उसमें से स्टेट रिटर्न करके दो, ऊपर स्टेट देखिए ना, सॉरी स्टेट कैपिटल ऐसे होती है, तो ये देख लें आपके पास नजर आ रहा है कि कितने प्रोसेसेस रेडी में हैं और कितने आपके पास आइडल हैं, ठीक है, सो आइडल वो होते हैं जो कि आइडल प्रोसेसेस उनको कहा जाता है विच आर नॉट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, नो ऑप कर रहे होते हैं, दे स्टिल हैव टू बी देयर, दे स्टिल गेट द चांस बट दे डोंट एक्चुअली डू एनीथिंग, ठीक है, दे जस्ट टेक सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू के पास करने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीपिंग है, आइडल है, रनिंग इज थोड़े से होंगे ना, इतने नहीं हो रनिंग हो सकते, ये रनिंग, ठीक है, रनिंग मोस्ट लाइकली सो आई हैव जस्ट टू थिंग्स रनिंग, ठीक है, ये समझ आ रही है, ठीक है, इस चीज की आदत बनाएं, इस चीज को समझें अच्छे तरीके से, जो आप लोगों को लैब में भी जो करवा रहे हैं ना कमांड वगैरह, उसका मकसद ये है कि यू गेट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स यूजिंग द कमांड लाइन यूटिलिटीज, ठीक है जी, बजाय इसके कि मैं वहां पे बैठ के ढूंढता कि और रनिंग किस जगह पे, इतनी लंबी कहानी में मेरे पास ग्रैब पड़ा हुआ ना वो ढूंढता है मेरे लिए, ठीक है, तो उसको मैंने कहा तुम ढूंढ के ला दे दो मुझे, समझ रही बात की, ठीक है, बेसिक सी कुछ चीज़ है जी। हॉल्ट जी जी, दैट इज आइडल, हॉल्ट का मतलब है कि ऑफ, सीपीयू का हॉल्ट इज ऑफ, सीपीयू हॉल्ट नहीं होता, हॉल्ट इज अनदर नेम फॉर टर्निंग योर सिस्टम ऑफ, ठीक है, हो गया जी। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम असल में जब कुछ भी नहीं करना होता ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद नहीं करता, उसने एक प्रोसेस बनाया होता कि तुम कुछ भी नहीं करो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है लेकिन यूजर स्पेस में रन होता है, ठीक है, इट्स नॉट कर्नल रनिंग, इट्स यूजर रनिंग, बट इट्स रिटन बाय द पीपल हु रोट द ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम नॉट श्योर, इसको थोड़ा सा लुकअप कर लें, देर इज अ पॉसिबिलिटी जो कि अभी जहन में आ रही है, शायद मैं गलत हो रहा हूँ इसलिए बता देता हूँ कि शायद हो कि मे बी दिस इज ब्लॉक, लिनक्स शायद इसको ब्लॉक कहता हूँ, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर,
ये बात आपकी सही है कि आइडिया लेते बहुत सारे देखते हैं, आई एम नॉट श्योर ठीक है क्यों सही। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पे, इसके अंदर लिखी भी हुई हैं ठीक है, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। वो ग्रैप पर बीच में मैंने नहीं लिखा क्योंकि ग्रैप इज़ अनदर यूटिलिटी फॉर यू जो कि आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमांड यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको देख सकते हैं ठीक है जी। सो एसेंशियली ऑल वी हैव डन इज़ हमने प्रोसेस के बारे में आपको ये बताया कि स्लैश प्रॉप होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं इस किस्म की, दैट्स इट ठीक है जी। अगर इस अगेन इसमें चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ वॉलंटरी कॉन्टेक्स्ट स्विच एंड व्हाट इज़ एन इनवॉलंटरी कॉन्टेक्स्ट स्विच ठीक है। इस तरह की कुछ बातें आपको पता है, जो चीज़ें आपको पता है ठीक है। सिस्कॉल अगर है तो सिस्कॉल पता होना चाहिए कि वहाँ पे सिस्कॉल तो लिखा है, लेकिन सिस्कॉल का इसके हमारी थ्यूरी के साथ क्या ताल्लुक है, बस मैं जी ओके। सो वापस अभी हम आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ जो जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। किस जगह पर हमने बात छोड़ी थी जी, डबल कोट्स के अंदर एक चीज़ लिखी थी मैंने, हमने कहा था कि हम लाइट वेट प्रोसेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हमारे पास कम हो ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हमारे पास कम हो, वो कमांड मैंने यहाँ पे शायद लिखी नहीं है, मैंने आपको दिखा देता कि अभी तक कल मैंने रात को चेक किया था तो सिस्टम के स्टार्ट होने के तकरीबन आधे घंटे बाद तक यू हैड समवेयर अराउंड 35 मिलियन कॉन्टेक्स्ट स्विचेस ठीक है। इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, आप ये चाहते हैं कि इनको जितना कम से कम कर सकें ठीक है जी। तो लाइट वेट प्रोसेस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमारे पास प्रोसेस का मेमोरी मैप किस तरीके का होता है, किस शक्ल का होता है, बाकी नीचे बदबला होती है और ऊपर यहाँ पे आपके पास होता है स्टैक ठीक है जी। और स्टैक के अंदर आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शन कॉल्स होती हैं, और जब भी आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वगैरह को सेव करना होता है स्टैक के अंदर हो जाता है ठीक है जी। ये बात तो याद है ना सबको अच्छे तरीके से कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है या आईपी का रजिस्टर होता है जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस लिखा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। ये बात सबको अच्छे तरीके से पता है। जब भी आप फंक्शन कॉल्स करते हैं तो फंक्शन कॉल्स के नतीजे में आईपी को ही मैनिपुलेट किया जाता है, तो आप इधर उधर जाते हैं ठीक है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन हो रही होती है ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रही है ना कमांड्स की ठीक है, शायद ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये एग्जीक्यूशन हो रही होती है और आपके पास एक कमांड होती है, फिर दूसरी कमांड होती है, फिर तीसरी कमांड होती है, फिर चौथी कमांड होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से चलती रहती है ठीक है। एंड दिस थिंग लुक्स लाइक अ थ्रेड ठीक है, सो देयर फोर दिस इज कॉल्ड अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। सो अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज एसेंशियली अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड ठीक है। ये नजर आ गया थ्रेड की तरह लग रहा है, थ्रेड जानते हैं धागा, हाँ जी वो वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ ठीक है, वो वाला थ्रेड नहीं जानते आप, उसी तरह तो ला रहा हूँ। तो थ्रेड धागा, धागे की तरह लग रहा है, इसके अंदर दरमियान में इंस्ट्रक्शन जो है वो बीट्स की तरह परोई हुई है ठीक है, परोई भी जानते हैं जी। मेरे अपने सर में दर्द हो गया तो आप लोग अच्छा हो गया जी जी जी। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पहले यहाँ आए, फिर 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 यहाँ आए ठीक है ठीक है ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बीइंग इंक्रीमेंटेड और व्हाटएवर ठीक है। सो दैट इज अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट वन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट वन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सो लेट्स कॉल दिस आई पी वन एंड लेट्स हैव अनदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर खुद क्या चीज है, लेट्स थिंक ऑफ इट एज अ वेरिएबल नॉट एज अ रजिस्टर, थिंक ऑफ इट एज अ वेरिएबल। मैं सोच सकता हूँ इसको एज अ वेरिएबल, वैल्यू सोल्व करनी है ना इसके अंदर मैंने ठीक है। मुझे बताएं आपके पास एक प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो उसका आईपी यहाँ पे है, दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसका आईपी यहाँ पे है ठीक है। तो ये दो अलग अलग आईपी अभी भी तो हम चला रहे हैं ना ठीक है, उसका अपना आईपी है, इसका अपना आईपी है, तो हम दोनों को एक रजिस्टर में कैसे मैप करते हैं, दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स को हम एक सीपीयू के अंदर, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, एक सीपीयू को समझे एक कोर है आपके पास ठीक है, उस एक कोर के अंदर तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का रजिस्टर है ना, आईपी रजिस्टर एक होता है आपके पास, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हम उसमें कैसे डालते हैं। हाँ उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं जब हम एक प्रोसेस को हटाते हैं और दूसरे को लेके आते हैं, हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग करते हैं ना, कॉन्टेक्ट। सो दिस इज योर कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उन सारों के अंदर आईपी भी शामिल है।
हम एक आईपी को उठा के कहीं पे मेमोरी में सेव कर देते हैं, दूसरा आईपी लाके डाल देते हैं, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है. सो वी गो फ्रॉम वन थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन सिंपली बाय चेंजिंग द आईपी. एक आईपी निकाल के दूसरा आईपी डाल देते हैं, ठीक है. अब ये आईपी एक प्रोसेस का है, ये आईपी दूसरे प्रोसेस का है. हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक ही प्रोसेस के अंदर दो अलग अलग आईपीज हो. एग्जैक्टली वही काम करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे. एक ही प्रोसेस के अंदर दो अलग अलग आईपीज रखेंगे अब हम, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव इस प्रोसेस को हटा दें, एक ही प्रोसेस रखें फिलहाल, ठीक है. इस एक ही प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, एक आईपी वन है और एक आईपी टू है, ठीक है. तो लेट से इस आईपी ने यहां तक पहुंचा हुआ है, ये कंप्लीटली रैम में कोई और जगह है, और ये आईपी यहां तक पहुंचा हुआ है कंप्लीटली रैम में कोई और जगह है. अगर मैंने इस थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो मैं सीपीयू के रजिस्टर में कौन सा आईपी लोड कर दूंगा, आईपी वन की आईपी टू. इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है तो मैं आईपी वन लोड कर दूंगा, ठीक है. थोड़ी देर बाद मैं इसको दरमियान में एक और कोई सुपरवाइजर किस्म की चीज चल रही होगी जो कि ये सारे काम मेरे लिए करेगा. थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर क्या करेगा, आके कहेगा कि जी इस आईपी को निकालो, इसको अपनी एक जगह पे जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट हम बनाते हैं उसको उठा के कहीं पे रैम में रख दो और इस आईपी को लोड कर दो. तो अब कौन सा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, आईपी टू वाला, ठीक है. सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच में हम कर रहे थे वही काम होगा, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर. अभी तक कोई फर्क नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम आइडिया, ठीक है. एक एक कोर के ऊपर बात करें, फिलहाल मल्टीपल कोर पे एग्जैक्टली यही होता है, लेकिन हम फिलहाल एक कोर की बात करें. क्यों तो अभी बताई नहीं है, क्यों नहीं बताया गया, पहले हम बता रहे हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक. क्यों अभी नहीं बताया, सिर्फ द पॉइंट इज कि यू हैव वन थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, यू कैन हैव टू और मोर थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल. तो फिर कैसे करेंगे, आईपी तो एक होता है, वैसे ही करेंगे जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच में दो अलग अलग प्रोसेसेस के आईपी हम मैनेज कर रहे थे, उसी तरीके से आपके पास एक प्रोसेस के अंदर दो अलग अलग ये जो आपके पास एग्जीक्यूशन चल रही हैं, इन दोनों के आईपीज को हम वैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, टेक द होल कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें शामिल थी, मेमोरी मैप, तीन चीजें बोले, मेमोरी मैप, पीसीबी और रजिस्टर्स, ये तीन चीजें आपके पास, ठीक हो गया जी. ये बात सही है ना, याद है ना. तो आपके पास मेमोरी मैप, पीसीबी और रजिस्टर्स, ये तीन चीजें आपके पास. इसमें हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर्स को लेंगे और रजिस्टर्स को सेव कर देंगे, मेमोरी मैप और पीसीबी नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि पीसीबी होता है एक प्रोसेस का और ये दोनों एक ही प्रोसेस में चल रहे हैं. बात समझ आ रही, मेमोरी मैप एक ही प्रोसेस का होता है तो उसी एक प्रोसेस के अंदर ही हम चल रहे हैं. जब दूसरे प्रोसेस पे गए थे तो हमने मेमोरी मैप चेंज किया था क्योंकि उसका मेमोरी मैप फर्क था. अब ये दोनों एक ही प्रोसेस में, तो इनका मेमोरी मैप एक ही है और इनका प्रोसेस एक ही है, इनका पीसीबी एक ही है, ठीक हो गया. रजिस्टर्स फिर क्यों चेंज कर रहे हैं, रजिस्टर्स इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि रजिस्टर जो है वो थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करते हैं. अगर ये वाला प्रोसेस जो है आपका, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रहा था कि ए एक्स के अंदर 5 लोड करो, बी एक्स के अंदर 6 लोड करो और फिर इन दोनों को ऐड करो, तो अगर ए एक्स और बी एक्स की अपनी कोई वैल्यूज होंगी इस वन के हिसाब से. इसने कहा था कि ए एक्स के अंदर 15 लोड करो, बी एक्स के अंदर 25 लोड करो और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो. तो ये कुछ और कर रहा है, वो अपना रजिस्टर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, वो अपना रजिस्टर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है जी. बात समझ आई है, तो इस वजह से अब इन दोनों के रजिस्टर्स का सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो फर्क होगा, लेकिन मेमोरी मैप और पीसीबी सेम होंगे. ये बात समझ आई है जी, दोबारा सुने जी. आपके पास एक प्रोसेस के अंदर क्या चीज प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती है, आपका मेमोरी मैप, आपका पीसीबी, आपके रजिस्टर्स की वैल्यू जिसके अंदर आईपी भी आ गया, ठीक हो गया. अगर आपका प्रोसेस सेम है तो मेमोरी मैप एक ही होगा, पीसीबी एक ही होगा, ठीक. लेकिन आपके रजिस्टर्स फर्क होंगे. रजिस्टर्स क्यों फर्क होंगे, बिकॉज रजिस्टर्स आर अफेक्टेड बाय द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड्स, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे दो अलग अलग एग्जीक्यूशन चलाना चाह रहे हैं तो यू नीड टू सेव रजिस्टर्स फॉर देम सेपरेटली, क्योंकि उसने अलग वैल्यूज लोड की होंगी, इसने अपनी अलग वैल्यूज लोड की होंगी. ये कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, इसका अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, उसका अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक हो गया जी. सवाल आपका, मेमोरी मैप सेम रहेगा जी, तो मेमोरी मैप कैसे सेम रहेगा, ऐसे करके दोनों एक ही. जी 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 जी. नाउ द पॉइंट इज, आते हैं इसकी तरफ, ये सवाल रोक के सुन लेते हैं, आते हैं इसकी तरफ, ठीक है. सो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, जो आप सवाल पूछे वो नेगेटिव नहीं है, दैट्स अ पॉजिटिव. आते हैं उसकी तरफ. सो ये जो चीजें अब आपके पास दो चल रही हैं, एक प्रोसेस के अंदर दो अलग अलग थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो चल रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं थ्रेड्स, ठीक है. तो ये जो थ्रेड्स हमने बनाए यहाँ पे, इनको दो, अब एक प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, ठीक है. सो डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, सो इस थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को शॉर्ट करके हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है. बात समझ आई थी,
सो यू हैव वन प्रोसेस, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन अगर चल रही हैं तो उसको अचीव कैसे करते हैं वो बता दिए, दिस इज ऑल देयर इज टू इट. आपके एक सुपरवाइजर होता है जो कि जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है, उस तरीके से आपके प्रोसेस के अंदर एक सुपरवाइजर बैठा होता है जो कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच करता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच. ठीक है जी, जिस तरह प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है उसी तरीके से थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है. फर्क क्या है, प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर मेमोरी मैप भी स्विच किया जाता है और पीसीबी भी स्विच किया जाता है और रजिस्टर्स वाला किस्सा भी स्विच किया जाता है. थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर सिर्फ रजिस्टर्स वाला किस्सा स्विच किया जाता है. ये सुपरवाइजर आपके प्रोसेस के अंदर एक पार्ट होता है, ये इसी प्रोसेस के अंदर ही है, ये वो पीस ऑफ कोड है जो कि एक्चुअल थ्रेड की स्विचिंग करता है. हर प्रोसेस के अंदर अलग सुपरवाइजर होगा फिर. ठीक है, ये भी बेसिक आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, इसके अंदर सब चीजें आगे आते हैं. यहाँ तक सही हो गया जी सर? ये जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है मतलब मेमोरी में चेंज करने क्या जरूरत है, वो तो रैम में वैसे ही पड़ा है, तो आप कहो कि बस जाते हैं जिस पॉइंटर पर वो पॉइंटर चेंज करना पड़ता है जी. सर मेमोरी में चेंज करने क्या जरूरत है? असल में कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कि मेमोरी जिस जगह पे एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस को निकाल के दूसरा एड्रेस डालना पड़ता है. मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में तफसील से आएगा, इसके अंदर काफ़ी काम करना पड़ता है, इतने आराम से नहीं होता. कैशे है ना, बहुत काम करना पड़ता है. आ जाएगा बाद में आएगा तफसील. यहाँ तक सही हो गया? ठीक है, सो एसेंशियली नाउ वी हैव अ लाइट वेट प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन. अब आपके पास दो थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस के अंदर आ गए, और इसको हम लाइट वेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पीसीबी और मेमोरी मैप जो है वो सेम रह रहे हैं. ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर रहे, कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर वो इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्स की वैल्यूज. और रजिस्टर्स आपको पता है कि गिनती के चंद हैं. ठीक है, गिनती की चंद चीजें. आपका प्रोसेस चाहे जितना भी बड़ा हो जाए रजिस्टर्स उतने ही रहेंगे, जितनी मेमोरी उसने पकड़ी हो रजिस्टर्स उतने ही रहेंगे. ये बात सही है ना जी? ठीक है, रजिस्टर्स उतने ही रहेंगे, रजिस्टर्स चेंज नहीं होते. तो यू गेट इमीडिएटली अ वेरी लाइट वेट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लेकिन नाउ इट्स अ थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच. बात समझ आई थी? ठीक है, एक बात. दूसरी बात कि जब आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर आपने फंक्शन कॉल करनी होती है तो फंक्शन कॉल किस तरीके से अचीव की जाती है? असेंबली नहीं, फंक्शन नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉल कैसे अचीव करते हैं? कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? कॉल की इंस्ट्रक्शन होती है, उसे पहले क्या करना पड़ता है? पैरामीटर अगर पास करने हैं तो पुश रजिस्टर भी नहीं करते, स्टैक के अंदर चीजें पुश करते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं. तो द स्टैक इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन. ठीक है, आपका स्टैक भी डिपेंड करता है. अगर आपके पास स्टैक दो चीजें दो थ्रेड्स अगर स्टैक आपस में शेयर कर रहे हैं तो फिर काम नहीं चलेगा. ठीक है, अगर ये बात असेंबली से याद है तो अच्छी बात है, अगर ये याद नहीं है तो अभी बता देता हूं कि अगर आपके पास एक स्टैक है और उसके ऊपर आप दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स को रख देते हैं तो काम खराब हो जाएगा. ठीक है, अगर नहीं याद आ रही तो सिर्फ इतना बताता हूँ कि स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पड़ा होता है. ठीक है, तो अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वहां पे आ जाएगा तो पहला वाला गायब हो जाएगा. ठीक है, इससे ज्यादा तफसील मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इतना समझें कि थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए स्टैक भी डिफरेंट चाहिए होता है आपको. उसका क्यों का जवाब आपको असेंबली में पता होना चाहिए. ठीक है, बताऊं कि नहीं पता है? ये आपके पास स्टैक है, मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके कहा कि 25 इसके अंदर पुश करो, 17 पुश करो, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पुश करो, यहाँ पे ईबीपी पुश करो, होता है ना कहानी सारी? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पुश की हैं, मैं भी एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे. सही है, दूसरा आ गया, उसने आके कहा यहाँ पे 25 पुश करो, यहाँ पे 17 पुश करो, यहाँ पे ये बेड़ा गर्क कर दी मेरे स्टैक पॉइंटर का. मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहे हो? ठीक है, समझ आ गई बात? स्टैक जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, मैंने यहाँ पे बाकायदा आप लोग जाके लिखते हैं ना कि ईबीपी प्लस 4 के साथ ये करो, ईबीपी माइनस 7 के साथ ये करो, वो सारे लोकल वेरिएबल्स सब कुछ स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है, वो थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. आप आगे उसके साथ छेड़खानी अगर कर देंगे, ईबीपी को खराब करेंगे, स्टैक पॉइंटर को खराब करेंगे, तो मसला हो जाएगा. ठीक हो गया, सो यू नीड अ डिफरेंट स्टैक. सो एक बात आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई कि अब आपको दो अलग अलग स्टैक बनाने पड़ेंगे, स्टैक 1 और स्टैक 2. स्टैक 1 फॉर पीसी IP1 वाले थ्रेड के लिए और स्टैक 2 IP2 वाले थ्रेड के लिए. बस अब बात खत्म हो गई. अब आपके थ्रेड के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए? आपको चाहिए थ्रेड के लिए अलग अलग रजिस्टर्स का सेट और अलग स्टैक. ठीक है, ये दो चीजें जब आपको मिलेंगी तो यू हैव थ्रेड. जब आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें क्या कहा था कि हम रजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे. स्टैक यहां पर पड़ा होगा, जब आप रजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे तो पहले स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था, वो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा खुद ही, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा. स्टैक सिर्फ बनाना पड़ता है, मैनेजमेंट उसकी क्योंकि रजिस्टर के जरिए से होती है तो वो यू गेट इट फॉर फ्री. ठीक हो गया,
एक दफ़ा दोबारा इसको बताता हूँ, इस बात को अच्छे तरीके से समझें क्योंकि ये थ्योरी बहुत लंबी है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी आसान है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जो है एक्चुअल कोड जो इसका होता है वो बड़ा साफ सुथरा होता है, लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी तो आपको मकसद समझ नहीं आएगा इसका, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, कोई रीजनेबल सॉफ्टवेयर आपके पास थ्रेड्स के बगैर नहीं बनता। और मैंने आज तक अपने एटलीस्ट, मुझे शायद पता ना हो, लेकिन मैंने आज तक अपने किसी एफ आई पी में, पिछले 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैंने किसी एफ आई पी में, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के हो, मशीन लर्निंग के हो, जिसके भी हो, किसी के अंदर थ्रेड इस्तेमाल होते हैं नहीं देखा। हमारे स्टूडेंट्स आदत ही नहीं, इसलिए इतनी बहस में आते कर रहा हूँ, वरना ये चीज़ थ्योरी में बड़ी आसान सी बात है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझिए कि आपके पास थ्रेड जो हैं दोज आर लाइट वेट। क्यों लाइट वेट है? क्योंकि आपके पास मेमोरी मैप को डुप्लीकेट नहीं किया जाता, शेयर किया जाता है मेमोरी मैप, और आपके पास पीसीबी जो है वो शेयर किया जाता है। आपके पास एक प्रोसेस के अंदर सुपरवाइजर होता है, थ्रेड्स के दरमियान में कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो सुपरवाइजर करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड्स का किस तरीके से होता है? यू जस्ट टेक दी रजिस्टर्स की वैल्यूज और वो आप एक सेट निकालते हैं, दूसरा सेट डालते हैं। जब आप वो करते हैं तो एक की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना रुक जाती है और दूसरे की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट अ लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। ये वाली तकरीब समझ आ गई जी, ठीक है, रटा लगा लेंगे इसको जबरदस्त के सामने। सर वो मेमोरी मैप के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, मतलब जी आ रहा है उसकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, अब ये है कि ये स्टैक अगर ग्रो करते करते इस तक पहुँच जाएगा तो फिर हालात ख़राब होंगे। दैट इज द हेड ऑफ द सुपरवाइजर, वो हम उसमें हम अभी नहीं जा रहे, ठीक है। तो देर आर इशूज़, अभी इशूज़ को देखते हैं, ठीक है, इशूज़ को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तक सही हो गया जी। So let's start with this. So a thread of execution is a single sequence of instructions. ठीक है जी, pointed to by the program counter या instruction pointer की बात है, ठीक है, and it's executed by the process. इस तरह पढ़ेंगे तो यही लंबी चौड़ी definition लगती है, लेकिन sequence of instructions, ठीक है, that's the thing. आपके पास आमतौर पे traditionally पुराने ज़माने में, किसी ज़माने में, बड़े अरसे से ये बात नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जब प्रोसेस स्टार्ट करते थे तो वो सिंगल थ्रेड पे स्टार्ट करते थे। आजकल अगर आपने एज अ प्रोग्रामर थ्रेड्स नहीं भी बनाए तो फिर भी थ्रेड्स बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन ये जिस तरह लिखा हुआ है इसको देखें तो वन प्रोसेस टिपिकली यूज टू हैव वन थ्रेड, ठीक है, एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस में, जो कि पुरानी कहानियां अभी तक देख चुके हैं। उसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में, उसमें तफसीली डिस्कशन है, ठीक है, एंड अगेन इट अफेक्ट्स यू, आपको एज अ प्रोग्रामर, इवन अगर आप फर्ज करें कि आप काम कर रहे हैं एज अ वेब डेवलपर, तो दिस कॉन्सेप्ट अफेक्ट्स यू। आगे आइए, ये चीज़ मैं फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, आपको बाकायदा वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं कितने थ्रेड्स बनाऊँ। इफ़ यू मेक द राइट डिसीजन तो आपके पास आपका वेब सर्वर जो है वो तेज़ काम करेगा। इफ़ यू मेक द रॉन्ग डिसीजन, वो एक नंबर आपने सिर्फ फिट करना होता है, लेकिन इफ़ यू मेक द रॉन्ग डिसीजन फॉर दैट नंबर तो आपका वेब सर्वर बैठ जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक हो गया, ओके। सो मल्टी थ्रेडेड मॉडल किस चीज को कहा जाता है? मल्टी थ्रेडेड मॉडल से मुराद ये जो मैंने भी आपको सारा मॉडल बताया, मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी, आपके पास एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, ठीक है। उसका तरीका कार क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस, विच मीन्स कि ये कुछ चीजें प्रोसेस के साथ शेयर करेगा और कुछ चीजें इसके अंदर थोड़ी सी फर्क आएंगी इसके अंदर, ठीक हो गया जी। सो अ प्रोसेस कैन कंटेन वन और मोर, इस कर्नल के लफ्ज को फिलहाल यहाँ पे हटा दें, थ्रेड्स, ठीक है, ये बात थोड़ी सी गलत है, ठीक है। तो अ प्रोसेस कैन कंटेन वन और मोर है तो ठीक है, थ्रेड्स, ओके। तरीकाकार क्या है कि आपके पास हर एक अपना स्टैक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तो आपके पास सिर्फ आपके रजिस्टर जो है वो स्विच किए जाते हैं। दे शेयर मेमरी एंड ओपन फाइल्स, मेमरी मैप जो है आपके पास, देखें ये जो मेमरी मैप है, हमने कहा था ना कि ये इस प्रोसेस का मेमरी मैप है, ठीक है, ये इस प्रोसेस का कोड था, ये इस प्रोसेस की ग्लोबल वेरिएबल्स थी, ये इस प्रोसेस का हीप था, ये इस प्रोसेस का स्टैक था। अब हमने स्टैक तो दो अलग अलग कर दिए, वो एक थ्रेड का स्टैक है, ये दूसरे थ्रेड का स्टैक है, सही बोल रहा हूँ, स्टैक का थ्रेड है, ये हीप जो है एक ही है, हीप को दोनों शेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर एक ने हीप पे कोई चीज़ बनाई है तो दूसरा उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अगर ग्लोबल वेरिएबल एक चेंज करता है तो दूसरा उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो तो दोनों का वैसे भी, ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। बुरी बात क्या है जी? हाँ जी, सिक्योरिटी नहीं, डाटा बेस पढ़ा है, उसके अंदर एक लफ्ज़ पढ़ा है, इंटेग्रिटी, ठीक है, आपके डाटा की इंटेग्रिटी खराब होगी,
ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर आप डाटा कुछ राइट कर रहे हैं और कोई और बंदा भी आके उसके अंदर छेड़खानी कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इट्स नॉट इन योर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ये ग्लोबल वेरिएबल इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत पहले ये बात की थी किसी कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बात की थी जब ग्लोबल वेरिएबल्स के पीछे मैंने बात की थी, तो उस वक्त बताया था कि इवन इफ यू आर नॉट चेंजिंग द ग्लोबल वेरिएबल इट्स स्टिल अ बैड आइडिया, क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे, क्या पता कोई और चेंज कर रहा हो, तो इन योर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कोई मसला नहीं है। यू कैन लुक एट इट कि मेरे कोड के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मैं सिरे से राइट कर ही नहीं रहा हूं, तो देर इज नो वे दैट आई कैन गेट अफेक्टेड, बट देर इज अ वे, मे बी देर इज अनदर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज चेंजिंग द ग्लोबल वेरिएबल। डोंट यूज ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि लोकल आर ऑन द स्टैक। ठीक है, समझिए बात की, ये बात समझिए ग्लोबल वेरिएबल्स के पीछे जो बात की है। ठीक है, इस बात को समझें, क्योंकि आपके स्पेशली जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो आई है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यू हैव अ शेयर्ड लोकेशन, इवन इफ यू डोंट चेंज इट समबडी एल्स कैन चेंज इट। ठीक है, इवन इफ यू हैव अ गारंटी कि मैं चेंज नहीं कर रहा, इट कैन स्टिल चेंज बिकॉज समबडी एल्स कैन चेंज इट। अगर आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिसाल उसकी जो दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है कि एक साफ सुथरा अगर दूध का प्याला पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं तो इसके अंदर कोई गंद बना नहीं डाल रहा, तो बकरियाँ वकरियाँ भी हो सकती है। ठीक है, जिनको गंद डालने की आदत है, तो मुहावरा उर्दू का वहीं से बोल रहा हूँ। सही हो गया सर, ये जी लोकल वेरिएबल कहाँ बनते हैं, तो लोकल वेरिएबल फंक्शन ही होते हैं ना, और कौन से लोकल वेरिएबल, थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखें आधा फंक्शन इधर उधर नहीं हो सकता। जब फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे उसके लोकल वेरिएबल की जो इंस्टेंशिएशन होगी वो इस स्टैक पे होगी, दूसरे स्टैक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रुक जाए, वो जब इफेक्ट करेगा तो वो उसको इफेक्ट करेगा, इसको नहीं इफेक्ट कर सकता क्योंकि स्टैक दोनों का अलग अलग है। नहीं होगी, इसके एक्सेस नहीं करेगा, ये तो हम कह रहे हैं इसके लोकल वेरिएबल दूसरा थ्रेड एक्सेस नहीं कर सकता, और देयर इज अ मेथड लेकिन ऐसे नहीं कर सकता, इज्जत से नहीं कर सकता, तरीके से करना पड़ता है। देन यू हैव टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू अलाउ द अदर थ्रेड टू चेंज योर थिंग, जब आप उसको इजाजत दे रहे हैं इसके साथ करो तो देन यू कैन हैंडल इट। अगेन उस प्रोग्रामिंग में हम नहीं जा रहे हैं, आई डोंट नो, आप लोगों का शायद पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है तो वो है शायद कोर कोर्स है आप लोगों का फॉर सम रीजन। ठीक है, आर्किटेक्चर निकाल दिया, पैरेलल कंप्यूटिंग डाल दी, तो उसमें शायद आप लोग कहीं पर जाकर पढ़ लेंगे। So they have separate program counters, registers and stack. ये वही चीजें होंगी, program counter, register एक इसके अंदर आ जाता है। They include, they share memory including the heap and global and static data. ठीक है, इसमें जो important point है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि there is no memory protection between these. अभी तक तो हमने memory protection पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जब आपके पास दो processes होते हैं तो एक process दूसरे की memory को access नहीं कर सकता, चाहे आपके पास address आ जाए, उसका एड्रेस आ भी जाए तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, बात समझ गई, लेकिन थ्रेड्स में ऐसी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से जाकर उसका स्टैक एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट स्टॉप यू। ठीक हो गया, लेकिन चूंकि आप एक ही प्रोसेस के अंदर हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। एक प्रोसेस के अंदर ही रहेंगे, एक प्रोसेस के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, दैट इज खत्म, बात खत्म हो गई, बड़ा क्रॉस है। ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर रहते हुए एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को क्यों एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इस थ्रेड को पूरी इस चीज का एक्सेस मौजूद है। ठीक हो गया, ओके। अब आपके पास जो प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग की आपके पास मल्टीपल टास्क एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ से मुराद नहीं कि बिल्कुल एक टाइम पर रन हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के जरिए से इंटरचेंजेबली, ठीक है, साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, तो कहा जाता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लें, एक होता है कंकरेंट और एक होता है साइमल्टेनियस। फजूल सी बहस है और ये बात ऐसी सही है भी नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए बता देता हूँ। कंकरेंट का मतलब है कि एक्चुअली फिजिकली एक ही टाइम पे, फॉर विच यू नीड टू कोर्स, ठीक है, एटलीस्ट, और साइमल्टेनियस के देयर इज एन इल्यूजन ऑफ देम रनिंग साइमल्टेनियसली। जी, वो यही होता है। So concurrent is actually in parallel. ये बात ऐसी है नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ, जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं आपको रटा लगाना, ये बात ऐसी है नहीं, ठीक है, और साइमल्टेनियस इज इल्यूजन ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, इट लुक्स लाइक देयर रनिंग इन पैरेलल, एमएस वर्ड भी खोला हुआ, फायरफॉक्स भी खोला हुआ, दोनों रन हो रहे हैं, अगर एक भी कोर है तब भी दोनों एक साथ रन हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट का ही काम करता है।
सो कंकरेंट और साइमल्टेनियस का फर्क आमतौर पर ज्योमेट्री यूज में पूछते हैं, बात ऐसी है नहीं, बता देर यूज इंटरचेंजेबली, कभी आप कंकरेंट कहेंगे मुराद साइमल्टेनियस होगा, साइमल्टेनियस कहेंगे मुराद कंकरेंट होगा, चलता है। जिस तरह कंकरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग साइमल्टेनियसली रनिंग प्रोग्राम थ्रेड्स वगैरह को भी देखते हैं, बड़ी बात है। यहाँ तक हो गया, ओके, आई थिंक दैट्स इट, यहाँ तक काफ़ी है। ये यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना मल्टी टास्किंग, तो प्रीएम्प्टिव तो आप लोगों को पता है कि जब आप एक को रोके दूसरे को करते हैं, तो एसेंशियली थ्रेड जो हैं अब वो एक साथ रन होंगे, तो अगेन एक साथ जो है वो आपके पास अगर दो अलग अलग कोर्स के ऊपर दो थ्रेड्स रन हो रहे हैं तो दैट वुड बी कंकरेंट, और अगर एक ही कोर के ऊपर पहले एक थ्रेड पे दूसरा थ्रेड पे पहला थ्रेड पे दूसरा फिर पहला फिर दूसरा तो दे विल बी साइमल्टेनियसली, दो अलग अलग कोर्स के ऊपर हो सकते हैं। अगेन वो कैसे होगा वो आगे इसी स्लाइड्स में आ रहा है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। प्रोग्राम एक प्रोग्राम के प्रोसेस ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, हर प्रोसेस का अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा। जब जी क्रैश नहीं होगा, मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम देखेंगे उसका क्या इलाज किया जाता है। देयर इज अ वेरी लार्ज लिमिट विच इज डिपेंडेंट नॉट ऑन योर रैम बट ऑन योर हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस खराब होती है, वो मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में देखेंगे। जी क्यों आपके पास एक एग्जीक्यूटिव पड़ी है, क्लिकी क्लिकी एक खुल जाएगा एक प्रोसेस, फिर क्लिकी क्लिकी दूसरा प्रोसेस, क्लिकी क्लिकी तीसरा प्रोसेस, ठीक। यस इसी तरफ आ जाएंगे थोड़ा हाँ, जरा इस बात को समझे, आपके पास कोर जो है दोज आर फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, ये थ्रेड जो है दीज आर लॉजिकल इन द सेंस के दीज आर सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो एक कोर पे भी हो सकती है दो पे भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली 10 इंस्ट्रक्शंस इस कोर पे एग्जीक्यूट हो रही है, अगली 20 इंस्ट्रक्शन उसमें रेडी में जाने के बाद जब आया रनिंग के अंदर तो किसी और कोर के ऊपर रन हो रही है, तो कोर्स हार्डवेयर है जिसके ऊपर चीज ने रन होना है और थ्रेड जो है उसके ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो है, तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे कि बैस अभी नहीं करें लेकिन कर सकते हैं। इसे सॉल्व इस तरह हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे तो आप सिर्फ इन चीज़ों को चेंज करेंगे, आप मेमोरी मैप नहीं चेंज करेंगे, मेमोरी मैप को चेंज करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब नॉट नेसेसरीली ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, आगे आ रही है डिस्कशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नजर आता है, आया ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड्स नजर आते हैं कि नहीं आते, हमने कहा ना सुपरवाइजर मैनेज करेगा, तो आया सुपरवाइजर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि नहीं बताएगा, ये डिस्कशन आगे आ रही, थोड़ी तो सीधी बहस है इसीलिए मैं रुक गया हूं यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। वो अभी नहीं किया, वो मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में बात करेंगे, वहां पे उसकी अपनी डिस्कशन आती है। असल में ये सारी चीजें इस तरह आपस में रिलेटेड है ना, क्योंकि यही चार पांच चीज़ें हैं, मेमोरी आपके पास डिवाइसेज हैं और आपकी एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो ये दोनों सब एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, लेकिन वो चीज़ें मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वैसी कंफ्यूजन बताओ कि सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हमको अलग अलग किया हुआ है, उसको सब बात करेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछें।